भारत 24 में एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी से जीते हुए लोकसभा प्रत्याशी बीरेंद्र सिंह। इसे हम जानेंगे और बाकी बातचीत करेंगे, एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर जनता ने इन्हें वोट दिया है। और महेंद्र नाथ पांडे जो दो बार से चंदौली सांसद रह चुके थे और भारी उद्योग मंत्रालय वे संभाल रहे थे, उनको इन्होंने लगभग 22,000 वोटों से शिक्षा दी है। जी भारत 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई है आपको। आपको मत मिला है, समाजवादी पार्टी से मत मिला है, लोगों ने आपको सराहा है और आपको लोकसभा में जिता दिया है, इसको लेकर के क्या कहना है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई दूंगा कि मुझे अवसर दिया, और उसके बाद मैं अपने समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेता और आम मतदाता के साथ सभी गठबंधन के साथियों को भी मैं इसका श्रेय देता हूं कि सब लोगों ने 50 डिग्री टेम्परेचर में भी जो है हमको गांव-गांव घुमाने का काम किया और जनता के बीच ले जा कर के उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उनसे रूबरू करवाया। एक तरफ हम जनता के साथ लड़ रहे थे, गरीब और किसान, मजदूर और तमाम आम कार्यकर्ता, और दूसरी तरफ लोग धन और बल के सहारे लड़ रहे थे। तो आज साबित हो गया कि धन और बल और बाहुबल पर जनता का बल भारी है। आप चुनाव जीत गए हैं, आप मैनिफेस्टो कह रहे हैं ना? अब मैनिफेस्टो हम जनता के बीच में बैठेंगे, उनकी प्राथमिकताओं को जानेंगे और जो साधन संसाधन हमको सरकार के द्वारा मिलेगा, मैं उससे उस प्राथमिकता के आधार पर उनका उन समस्या का समाधान करूं। चंदौली की जनता को क्या कहना चाहेंगे? चंदौली की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक अवसर दिया है। पहले तो सांसद चुनते थे, इस बार उन्होंने सेवक चुना है और हमको सेवा का अवसर दिया है। जी, तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। 12:24 से कैमरा पर्सन सिरधर शुक्ला के साथ अमीय पांडे, चंदौली।